जम्मू के कालाकोट में ऑल नेशनल हेल्थ मिशन एसोसिएशन जम्मू के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने 3 दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने सरकार के समक्ष कई बार अपनी मांगें रखी, मगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कर्मचारियों की मांगे है कि SRO 255 लागू किया जाए, EPF लागू हो, काम के बराबर तनख्वाह हो और इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू हो। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वह अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे। ये 72 आवर्स की पेंट और स्ट्राइक है। इसमें हमारी डिमांड्स है रेगुलेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैटरनिटी अलाउंस, सिक्योरिटी हेल्थ इंश्योरेंस, रिस्क अलाउंस, ये हमारी मेन 5-6 डिमांड्स से ऑनवर्ड 3 दिन है 9 तक। 7 से 9 तारीख तक पेंट और स्ट्राइक है। हमारे डिफरेंट जोन्स में भी ये स्ट्राइक जा रही है। हमारे 3-8 मोगला में भी सभी जोन के वहाँ पे एम्प्लॉयज इकट्ठे हुए हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स हैं रेगुलर सर्विसेज की जाए हमारे NHM एम्प्लॉयज की, दूसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किया जाए और हमारा प्रोविडेंट फंड सभी एम्प्लॉयज का काटा जाए, और उसके बाद है हमारी मैटरनिटी अलाउंसेस जिसमें है कि प्रेगनेंट लेडी को हमारे जो भी NHM एम्प्लॉयज है उसको सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, उसको विदाउट पे जाना पड़ता है अगर मैटरनिटी लीव लेनी हो तो। ठीक है, हम चाहते हैं कि उनको भी 6 मंथ की विदाउट पे ना मिले, उनको लॉन्सेस मिले, पैसे मिले उनको। ठीक है, जब वो जाती हैं, और उसके बाद है रिस्क लॉन्सेस, हमारे NHM एम्प्लॉयज को रिस्क लॉन्सेस वगैरह सभी प्रोवाइड किया जाए, सिक्योरिटी हेल्थ सर्विसेज के सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने 3 दिन की स्ट्राइक रखी हुई है यहाँ पे। हम लोग पूरा काम करते हैं परमानेंट के बराबर, लेकिन हमें पूरी इक्वल पे नहीं मिल रही है। काम इक्वल ले रहे हैं लेकिन पे देने में हमें हिचकिचाहट हो रही है इनको। और दूसरा नंबर, हम चाहते हैं कि मैटरनिटी लीव जो परमानेंट को दी जाती है हमें भी दी जाए, क्योंकि हमें पे लेने के लिए मैटरनिटी हर किसी का आजकल से सीजरन वगैरह हो रहा है तो रेस्ट के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही मंथ दिया जाता है किसी का सीजरन कुछ भी हो और वो भी विदाउट पे। तो ये सारी डिमांड है हमारी। SRO जो 255 के अंडर हमें किया जाए परमानेंट और कंट्रेक्चुअल नहीं, बल्कि हमें इतने साल से हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं हमें रेगुलर किया जाए।